फैमिली सो वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। सो उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ। सो मेरा अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है जो कि मैं बना रही हूँ अभी पोहा और चाय। चाय पीने का हालांकि मेरा मन नहीं हो रहा दो दिनों से, पता नहीं क्या हो गया। सो लेकिन अभी पोहा खाने अच्छा नहीं लगता, चाय के साथ अच्छा लगता है। और आज मेरी आईज फिर से स्वेलिंग हो गई है, पता नहीं मेरी आँखों को क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है। और मेरा पोहा ऑलमोस्ट रेडी है, चाय भी रेडी है। सो जो पहले मैं पोहा बनाने से भागती थी लेकिन अब मुझे अच्छा बनाने आ गया है। अब मुझे अपने हाथ का पोहा अच्छा लगता है, पहले नहीं अच्छा लगता था। मैं सब मस्त नींबू डालूंगी और इंजॉय करूंगी चाय को। सो बस अभी जाती हूँ और आज शूट भी करना है और बाकी का देखते हैं, बहुत सारे काम है क्योंकि अभी ना घर जाने का टाइम आ रहा है। सो घर जाने के हिसाब से पूरा वीडियोस भी बनाना पड़ेगा, पूरा बैकअप लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा कोई है नहीं जिसका मैं वीडियो बना सकूँ। वहाँ पे मेरा कोई दोस्त वोस्त कोई भी नहीं है, तो यही से मुझे पूरा बैकअप लेना पड़ेगा पूरे मतलब जितने दिन के लिए मैं जाऊँगी। बहुत सारी तैयारी करनी है लेकिन अभी शरारत की वजह से ना मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ क्योंकि शरारत में बोलते हैं कि शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, इसीलिए चुपचाप बैठी हुई हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारी तैयारी करनी है। तो मैं सभी फिलहाल नाश्ता कर लेती हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं क्या है क्योंकि शूट तो करना ही करना है, वो तो है ही है, चाहे थोड़ा बहुत करें लेकिन करना है शूट। तो सुबह सभी जाते हैं और नाश्ता कर लेते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब बस वीडियो शूट करेंगे। वाह लाइट आ गई, मतलब लाइट और जल चुकी है। इधर बस अभी मेरी सब सेट है और शूट करते हैं और फिर देखते हैं, पहले शूट कर लेते हैं। हमारा शूट हो गया है, बस एक सीन बाकी है कुणाल के सोने का। तो ठीक है सो जाओ, तुम्हारा फेवरेट काम। तो गाइस अब बस शूट करके चेंज करके मैं हो गई हूँ फ्री। आज थोड़ा टाइम से जा रही हूँ क्योंकि कोमल को कहीं जाना है और वर्कआउट छोड़ नहीं सकते, तो इसीलिए जा रही हूँ जुम्बा करने, वर्कआउट करने। तो जाके आते हैं, स्कूल में कुछ तो हो रहा है, बहुत भीड़ है। सो बस चलो चलते हैं, भूख भी लग रही है क्योंकि सुबह ना सिर्फ नाश्ता किया था। कुछ तो हो रहा है इधर, क्या है तेरे को? पीछे पीछे चल रहा है। सो बस अभी जाते हैं, वॉक करके जा रही है थोड़ी, चलो वॉक भी हो जाएगी पास के लिए, क्या एक्टिव वाले ना। चलो चलते हैं। कोई बात नहीं, कैरी ऑन। ये बहुत साल पहले ही एक्सरसाइज करती थी और अभी दोबारा से उसका डेमो दिखा रही है क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। नहीं, यू कैन डू इट। परफेक्ट ना हो कोई नहीं, तीन साल की बात कर रही हूँ। ओके देखो बेचारी का हाल, ये मैंने तो कर लिया है, ये मेरा फेस इतना रेड हो रखा है। हाय सच में थोड़ी हालत डाउन होती है अभी, तो बॉडी बहुत पेन भी कर रही है लेकिन मजा आता है।
सबसे बड़ा मजा आता है। Hey guys. So guys, हम यहाँ पे वर्कआउट कर रहे थे, so बीच में कुणाल और जीत आ गए हैं। दिखाती हूँ क्या लेके, मतलब हमको ना चाहते नहीं हम जिंदगी में हम पतले हो या तो देखो क्या लेके आए हमारे समोसा। लेकिन हालांकि मन तो कर रहा है लेकिन नहीं मेरे पसंद है। प्रॉमिस करो ए अमृता, सबसे पहले तुम अमृता को कोई भरोसा नहीं है हमारे भी। हंसी से समझ में आ रहा है कि तुम खाने वाली हो। प्रॉमिस करो अभी इतना वर्कआउट किया ना, नींबू पानी पी लेंगे उसके बाद। प्रॉमिस कर मैं नहीं खाऊंगी। नहीं खाएगी ना? ए प्रॉमिस यार, एक घंटे से वर्कआउट कर रहे हैं हां ना। अमृता जा रही है, जबरदस्ती रखवाया गया है। हम समोसा नहीं खाएंगे, हम इन दोनों को साबित कर देंगे, हम इन दोनों को साबित कर देंगे कि तुम समोसे के तुम कुछ भी ले आना हम नहीं खाएंगे। बस ठीक है। यहाँ पे आ गया है केक क्योंकि कोमल की रूममेट का है बर्थडे, मतलब रात था, आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। हाँ मतलब रात मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा आपने, तो उसी का यहाँ पे केक कटिंग कराने वाले हैं। हैप्पी बर्थडे डियर प्रियंका, हैप्पी बर्थडे टू यू, ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। चलो विश मांग लो। विश मांगो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बढ़िया से खिला दो। यार वाह वाह स्पेशल होएगा, ग्लो आएगा, ग्लो इसी बार में स्पेशल से कर उसके प्रेम का ऐसा लग रहा, हल्दी लग गई इसको। सो फाइनली आज भैया मिल गए। भैया खोला करो यार दुकान। अच्छा अच्छा रहोगे लेट तक? चलो बढ़िया। आज गाइज मैं कड़वा कड़वा जूस पीने वाली हूँ, करेले का, पता नहीं कैसा होगा। पहली बार तो बारिश। सो गाइस आज जूस वाला फील नहीं आएगा मुझे, आज मुझे पता नहीं करेले का जूस। करेले का है पहली दादी पहली बार पी रही हूँ ना, तो पिया नहीं जा रहा है। मेरा खाना रेडी है, डिनर जो कि है पालक वाली दाल, साथ में है सवा के चावल, दलिया नहीं थे इसलिए यही बना लिया। सो बस मैं जा रही हूँ खाने, बहुत भूख लगी है। इसी के साथ टाटा बाय बाय।